बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और उसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा, मैं अपने होठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होठ हिलाए। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा, फिर यह आयत उतरी कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी जबान न हिलाओ, उसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा जिम्मा है। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे जिम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुके तो उस पढ़े हुए की तबाह करो। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको खामोशी के साथ सुनते रहो, उसके बाद मतलब समझा देना हमारे जिम्मे है। फिर यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप उसको पढ़ो, यानी उसको महफूज कर सको। चुनाचे उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही को उसी तरह पढ़ते जिस तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे पढ़ा था।